यूपी दे लखीमपुर हिंसा मामले नू लेके सियासतदाना वालों लगातार पीड़ित परिवारां नू मिलण दा सिलसिला जारी है, जिसके चलदे अकाली दल दा वफद लखनऊ हवाई अड्डे ते पहुंच गया, जिथे साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वालों भाजपा सरकार ते निशाना साध्या गया अते इस हिंसा नू मंदभागा दस्या गया। नाल ही हरसिमरत कौर बादल ने मुलजमान खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं की कुछ किया, आओ सुनते हैं। किसानी संगठन से बात किए बिना किसान देश के किसानों के ऊपर खोपे गए हैं, जिससे किसान के मन में डर है कि उसकी जमीन, उसका अनाज, उसके बच्चों का भविष्य सब पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा। और लगातार सरकार से मांग है कि ये आप कानून वापस लीजिए और हमारे साथ सलाह मशवरा करके आप ऐसा कानून लाइए जिससे हमारा भला होता है। लेकिन अफसोस इस बात की कि साल भर से सरकार ने किसानों की एक भी नहीं सुनी और अब तो ये हालात हो गए कि साल भर से उनकी आवाज़ को चल रहे, अब शरे आम किसानों को ही कुचलने में आ गए हैं। चाहे हम देखें कि कैसे लाठियों के साथ हरियाणा में क्या व्यवहार हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में क्या व्यवहार हो रहा है, कुछ दिन पहले राजस्थान में लाठियां खाई, यहाँ तो गाड़ी के साथ मंत्री का बेटा कुचल दे, जो मंत्री 5 दिन पहले एक भरी सभा में कहते हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे, सुधर जाए, तो वो घर में अपने परिवार के बीच में और बेटे को क्या कहते होंगे। और अब सारी वीडियो सामने आ गई कि कैसे तेज रफ्तार से पीछे से आके गाड़ी ने किसान को कुचल डाला। ये बेकसूर किसान जो अपना एक शांतमय आंदोलन, अब किसान अपनी आवाज भी ना उठाए जो उनकी कोई पीड़ा है। और अफसोस की बात की जब वीडियो है, आई विटनेसेस है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अदालत सुमोटो नोटिस ले रही है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद जिस मंत्री का और उसके बेटे का नाम आ रहा है, ना मंत्री को बर्खास्त किया गया है और ना ही बेटे को आज तक पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? आपकी डिमांड है मंत्री को बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल हमारी मांग है। देखिए जो होम मिनिस्टर अमन शांति को भंग करके, लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने का संदेशा कि मुझे पहचान लो, मेरे बारे जानते हो आप कि मैं कैसे, सबक सीख जाओ, सुधर जाओ, जो उकसा रहा है लोगों को, जो भाइयों भाइयों को लड़ाने की बात कर रहा है, इससे और घटिया राजनीति क्या हो सकती है? और आप उसको अपने मंत्रिमंडल में बना के रखें तो बहुत ही घटिया बात है। उसके बेटे को आज तक आप पूछताछ ना करिए, जिसके बारे में जो स्टेज में उनके साथ है, वो गाड़ियों से अब तो बहुत तरह की वीडियो सामने आ गई है। सो बहुत अफसोस की बात है कि इस बेकसूरों की जान जाने में जो सारी दुनिया देख रही, सारा देश देख रहा है, लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार के बच्चों के लिए अलग कानून है और गरीब किसान के लिए अलग कानून है, इसलिए 5 दिन से कोई गिरफ्तार नहीं। डिमांड बता दी, डिमांड क्या आपकी? हमारी डिमांड ये है कि जो मोनू मिश्रा है वो इमीडिएटली वो अरेस्ट हुए, बनती हुई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और जो मंत्री हैं उनको एकदम डिसमिस किया जाए और ये जो निहत्ते बेचारे गरीब, जो बेकसूर गरीब किसान, नौजवान बच्चे चले गए हैं, कई सारा जो नुकसान हुआ है 8 जानों का, उनका पूरा मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए और हर तरह से सबसे पहले वो चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ देना चाहिए ताकि ये हरकतें बार बार ना हो, क्योंकि कहीं पे हरियाणा के मुख्यमंत्री उकसा रहे हैं लोगों को कि लाठी उठा लो, यहाँ यूनियन मिनिस्टर उकसा रहे हैं लोगों को कि सबक सिखा दो, तो ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? कितना बांटेंगे आप देश को?